बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने रंजीत सिन्हा का इस्तीफा मांगा है। नितिन गडकरी से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। सीबीआई डायरेक्टर के रेप को लेकर दिए बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी जी। नितिन जी, सीबीआई डायरेक्टर ने कहा कि रेप को अगर रोक नहीं सकते तो एंजॉय करना चाहिए, और इसी ढंग से जो उसने परिप्रेक्ष्य दिया है कि सट्टेबाजी को वैध करना चाहिए, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे पास इतना फोर्सेज नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। जिस ढंग से रेप को नहीं रोक सकते तो करने दीजिए। देखिए, इस देश में आज हम लोग दिल्ली जैसा शहर को रेप कैपिटल कहने लगे हैं। हमारे देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ी गई है कि हम लोग महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, और ऊपर से अब सीबीआई डायरेक्टर अगर ये कह रहा है तो ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो पुलिस और जो गृह मंत्रालय हमारी माँ बहनों की रक्षा नहीं कर सकता, कानून और व्यवस्था को संभाल नहीं सकता, उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, सरकार ने इसके ऊपर जांच करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे सीबीआई एक तो कांग्रेस पार्टी की विंग बनी हुई है और यूपीए का ट्रस्टेड पार्टनर बना हुआ है। उनका काम इतना ही है कि कांग्रेस पार्टी को और यूपीए को सपोर्ट करने वाले पार्टी के नेताओं को और पार्टियों को ब्लैकमेल करना और उनको यूपीए के पीछे खड़े करना, यही उनका एक मिशन है। और जो अपोनेंट्स हैं, गुजरात की सरकारें, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऐसे लोगों को तकलीफ देना, यही सीबीआई का मिशन रहा है। इसका कोई रिलीवेंस नहीं, ये पोलिटिकलाइज हुआ है। ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और डायरेक्टर ने जो बयान दिया, जो कुछ इज्जत थी वो भी पूरी खत्म हो गई है। ऐसे कहने वाले डायरेक्टर को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं।